मुंबई की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। संक्रमण में तेजी के बावजूद मुंबई में लोग बेखौफ घूम रहे हैं। मुंबई के दादर मार्केट में सुबह सुबह भारी भीड़ उमड़ गई। बाजार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। अब आप किस सरकार की जवाबदेही तय करेंगे जब आप खुद ही इतने लापरवाह हैं। मुंबई में 24 घंटे में 8468 नए केस मिले हैं। 53 की मौत हो गई है। 68,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए हैं। 503 मरीजों की मौत हो गई है। उसके बावजूद क्या हाल है सब्जी मंडियों में, आप ये देखिए। महाराष्ट्र वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र वो सूबा है जिसने सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद मुंबई के दादर मार्केट में सुबह सुबह की भारी भीड़ आपको बता रही है कि कैसे वहां पर अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कोरोना कितना ज्यादा भयावह रूप ले चुका है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। उधर मुंबई के LTT पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। बिना मास्क आप देखिए LTT स्टेशन पर घूमते दिखे यात्री। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कैसे ज्यादातर यात्री बिना मास्क के घूमते दिखे, ये हम आपको बताते हैं। ज्यादातर यात्री इसमें से यूपी और बिहार जाने वाले हैं। मुंबई में रोजाना 8 से 9 हजार के बीच मामले आ रहे हैं। मुंबई में पलायन भी बहुत तेजी से हो रहा है। जो मजदूर हैं, जो यूपी बिहार के लोग मुंबई में या महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं, वो लगातार रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, ट्रेनों के जरिए अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक उनकी लापरवाही जो दिख रही है वो खतरनाक हो सकती है, वो है मास्क ना लगाने की। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसका एक वजह यह भी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकमान तिलक टर्मिनस पर किस तरह से यहाँ पर लोग जो खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये सब यूपी बिहार जाने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध है, लेकिन 2 गज की दूरी जो कहा गया है वो बिल्कुल ही नहीं है। और मास्क यहाँ लगाए हैं क्योंकि यहाँ पुलिस तैनात है। बहुत लोग मास्क को भी नीचे कर देते हैं, सैनिटाइजर तो इनके हाथ में दिखता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से लापरवाही सामने देखी जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी नहीं है। और ऐसे ही रोज़ाना यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा यात्री यहाँ से जा रहे हैं और ऐसे ही लोग खड़े रहते हैं। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिख रही है। कैमरा पर्सन मनोज हलवाई के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश आपको आंखों देखी हाल बता रहे थे कि इस वक्त मुंबई के इन जगहों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे बाजार हो, क्या हालात हैं। बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन मुंबई से जारी है। लोकमान तिलक टर्मिनस के बाहर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।